इधर चतरा लोकसभा सीट के लिए एनडीए प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने आज अपना नामांकन किया। कालीचरण सिंह के नामांकन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे, जहां नामांकन के बाद रैली निकाली गई, जिसके बाद जनसभा को संबोधित किया गया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सभी 14 सीटें एनडीए अपने नाम करेंगी। आपको बता दें कि आज चतरा में कालीचरण सिंह ने अपना नामांकन संपन्न कराया। एनडीए के प्रत्याशी है कालीचरण सिंह। कालीचरण सिंह ने अपना नामांकन कराया, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी मौजूद थे। इसके साथ ही नामांकन के बाद रैली निकाली गई, जिसके बाद जनसभा को भी संबोधित किया गया। मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में सभी 14 सीटों पर एनडीए अपनी जीत हासिल करेगी। अरे चतरा लोकसभा क्षेत्र की जनता का उत्साह तो आपने स्वयं देख लिया। इतना कार्यकर्ताओं में उत्साह है, इतना जितना स्नेह आशीर्वाद है कि अब उसमें कहाँ पूछना है। मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी की गारंटी बिल्कुल है, पूरे विश्व स्तरीय गारंटी, उनकी विश्वसनीयता है, मोदी जी की गारंटी है। उन्हीं के आधार पर चतरा लोकसभा क्षेत्र के जनता को हम भी गारंटी, मुझे भी लेना है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप विरोधी जो हैं वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि आप बाहरी और भीतरी का षड्यंत्र रच के उन लोगों के साथ साजिश रच रहे हैं। कहाँ बाहरी भीतरी, मैंने कहा अभी तक तो मेरे कोई वक्तव्य नहीं आया, वही कह रहे हैं मैं फलाने जगह का हूँ। हम ही को समझ में नहीं आ रहा, चोर चोर हल्ला करता है और कोतवाल गोल्डी डांटता है। अब वह लोकसभा क्षेत्र के बाहरी के और वही कह रहे हैं हमको बाहरी, तब तो वही सफाई देते बेचारे चल रहे हैं, हमको कहीं सफाई देने का जरूरत है मुझे। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं आपके मन में, चुनाव जीतने के बाद क्या करेंगे? बहुत समस्याएं हैं भाई, कहीं कोई ऐसा पार्ट मुझे दिखता नहीं कि जो झारखंड सरकार 4.5 साल में बचने दिया है, समस्या समाधान किया है। हर जगह समस्या मुझे दिखता है। जितना मेरा ताकत है केंद्र सरकार की नीतियों के अनुसार, हम पूरी जनता के साथ खड़ा रहेंगे, उनकी समस्या के लिए जूझेंगे, उनके हर पल खड़ा रहेंगे। क्या कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं? क्या नहीं है समस्या महत्वपूर्ण? लॉ एंड ऑर्डर कौन बढ़िया है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल क्षेत्र में बहुत खराब है, स्टेट लेवल स्टेट हाईवे तो रघुवर जी की सरकार जी ने बहुत अच्छा बनाया। रूरल में पानी की समस्या, चापाकल ड्राई जोन बोर हो रहा है, पानी बहुत नीचे चला जा रहा है, कोई चेक डैम बढ़िया शुद्ध नहीं बन रहे हैं, कोई पानी का जमावड़ा नहीं हो रहा है, लेयर नहीं बढ़ रहा है, बहुत समस्या है भाई, कोई एक समस्या रहे तब ना। चुनाव जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या हो गया? कोई ऐसा बिंदुवार नहीं है कि पहली प्राथमिकता, कुछ ऐसे चीजें हैं जो जनहित में बहुत जरूरी, जैसे चंदवा का है फ्लाईओवर, रेलवे क्रॉसिंग में घंटों मरीज बंद परेशान रहते हैं, अब बगरा से पाकी जाना, उनको बालूमाथ हो जाना, वो अब बहुत आवश्यक चीज है। हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर जो केंद्र सरकार से मैं जितना ला सकता हूँ मैं लाऊंगा। चतरा में बेरोजगार, देखिए एक्सप्रेस वे जो बनना है, बाईपास बनना है चतरा जोरी हंटरगंज, उसमें तेजी पूरा बैठ करके लाएंगे। बेरोजगारी कोई एक क्षेत्र की समस्या नहीं, कोई सरकारी नौकरी दी नहीं जा सकती, उद्योग का कोई ऐसी परिस्थिति का निर्माण जरूर करूंगा जो झारखंड के संपदा के साथ अटैच हो, मिनरल ओर्स है तो उसमें, ताकि ज्यादा से ज्यादा औपचारिक और अनौपचारिक, मैं परोक्ष और अपरोक्ष रोजगार मिले, प्रयास करूँगा।